नमस्कार, सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं इरिगेशन के क्लास में। आज हमारा जो है लेक्चर 2.3 यानी यूनिट 2 का तीसरा लेक्चर है, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सब यूनिट का नाम, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ये हमारा जो है यूनिट का नाम है। तो हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चरों में अभी तक फसलों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कौन सी फसल कब उगाई जाती है, रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है, वो चीज़ें आप लोगों को याद हो गया होगा, आई होप समझ में भी आया होगा। अब हम लोग अब क्योंकि मेन हम लोगों का जो यूनिट है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स यानी कि जल मांग जो है फसलों के लिए, वो हम लोग देखेंगे। तो वो फसल कौन सी मिट्टी पे कितना है वो हम लोग देखेंगे। आज कुल मिला के हम लोग सॉइल के बारे में बात करेंगे, मृदा, सॉइल के बारे में मृदा, कि मृदा आखिर क्या है। मृदा हमारे पृथ्वी पे जो है चारों तरफ से घेर के रखी हुई है, लेकिन फसल के बारे में हम लोगों को बात करनी, बहुत ज़्यादा डीपली हम लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि आप हम जो है ऐसे भूमि तल पे रह रहे हैं जहाँ पे पूरा का पूरा सॉइल है इस यहाँ पर, नहीं तो कई जगह जो है सॉइल का गुण नहीं पाए जाते, कहीं जगह पहाड़ भी हैं तो कहीं जगह पानी ही पानी है, तो वहाँ पे आप सॉइल नहीं पाए सब। जैसे आप निचले स्तर पे चले जाएंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे आप सॉइल पाएंगे नहीं। तो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आप सॉइल आसानी से पा जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में या पंजाब हरियाणा में खेती बहुत बहुयात में हो जाती है और बहुत अच्छे से होती है। अबे पिछले राजस्थान में देखेंगे तो पुराने समय में राजस्थान में जो है आपका खेती नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उतना उस तरह नहीं थी। जो राजा महाराजा लोग वहाँ पे रहते थे वो उतना इस पे ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वहाँ की मिट्टी सही नहीं थी, रेतीली मृदा थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे सिविल इंजीनियरिंग के विकास हुआ और धीरे धीरे जो है कई सारी दवाएँ वगैरह आने शुरू कर दी, धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ अब देखिए राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है खेती होने लगी है। तो मृदा हमारी जो है, बात करते हैं फसलों के लिए, तो फसलों के लिए जो मृदा यूज की जाती है वो लगभग 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर की गहराई तक ही यूज कर पाते हैं हम लोग जो फसल होती है, 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर। हम लोग फसल जो है देखेंगे गेहूँ और जो भी आप फसल धान वगैरह करते हैं वो क्या है, उथली जो है फसलें होती हैं, जो कम गहरी, उसकी जड़ें जो है नीचे तक नहीं जा पाती हैं। अब जैसे आप नारियल का ले लीजिए पेड़, और भी बड़े बड़े पेड़ ले लीजिए, बरगद का पेड़ ले लीजिए, तो उनकी तो बहुत गहरी वृक्ष हैं वो सब, जो नीचे तक जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज में आती है। लेकिन हम लोगों को फसलें के बारे में देखना है, इरीगेशन पढ़ रहे हैं, तो फसल 60 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक की मृदा को ही हम लोग प्रयोग में लाएंगे। तो बच्चों ये हम लोगों को मृदा हो गया है, क्योंकि मृदा हम लोग 60 से 1 मीटर तक हम लोग यूज करते हैं। अब इस मृदा में हमारा जो है कौन कौन से तत्व आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मृदा में, एक मृदा में क्या क्या चीज़ पाई जाती है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सॉइल एक मृदा में हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के साइज के आधार पर उसको बांट दिया गया है, कौन कौन से साइज में क्या क्या है वो देख लेते हैं। अगर सबसे बात करें कि सबसे छोटा पार्टिकल से क्या कहलाता है, सबसे छोटा पार्टिकल हम लोग देखते हैं तो वो कहलाया जाता है मृतिका, क्ले जिसको बोलते हैं, मृतिका क्ले। अब क्योंकि ये सॉइल नेक्स्ट सेमेस्टर का है ये सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूँ। ये होता है 0.0002 mm से लेके 0.002 mm तक की इसकी जो है मोटाई होती है। ये बच्चों बहुत टेक्निकल टर्म है, नोट भी कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सिल्ट की बात करते हैं, सिल्ट जो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, जो इससे बड़ा होता है ये होता है 0.002 से 0.065 mm तक होता है, 65 mm तक होता है। तो ये हमारा जो है सिल्ट आता है। इसके बाद जो है हमारा जो है बालू आ जाता है यानी सैंड आ जाता है। तो सैंड क्या है, 0.06 से 2 mm तक क्या आता है, सैंड आ जाता है। इसके ऊपर फिर बजरी आता है, फिर
बोल्डर आ जाता है, बहुत सारे हैं साइज में है, लेकिन हम लोगों को देखना है कि एक मृतिका में ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं, क्योंकि कहीं कहीं आप देखेंगे थोड़ी सी बलुआही मिट्टी भी पाई जाती है और कहीं कहीं आप देखेंगे तो मृतिका ही मृतिका पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ लगभग लगभग हम लोग जो है एक मृतिका में पाया जाता है। इसके बाद मृतिका में ही कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ जो 5% रहता है, कार्बनिक पदार्थ ये जो है टोटली 5% हमारा जो है मिट्टी में रहता है। दूसरा नंबर है ये कार्बनिक पदार्थ, पहले नंबर पे ये मृतिका और सिल्ट और सैंड जो है ये तीनों रहते हैं, और ये तीनों 45% रहते हैं, ये तीनों मिला के किसी भी मिट्टी में 45% मिक्स रहते हैं, ठीक है। कुछ कार्बनिक पदार्थ भी हैं बच्चों, वो भी देखना पड़ता है कुछ। अब इसमें जो है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मिट्टी में जल भी रहता है, अभी मिट्टी के आप लोगों को पढ़ाएंगे कभी डिटेल में, नहीं तो एक जनरली थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मिट्टी में हम लोगों को देखते हैं कि ठोस पार्टिकल्स कुछ रहते हैं, ठोस पार्टिकल जो मिट्टी के कण होते हैं, और इसमें एयर भी रहता है, वाटर रहता है, और इसमें एयर भी रहती है। अगर ठोस और एयर खाली रहे, अगर मान लीजिए ये दो अवस्था रहे हमारा, तो यहाँ पे मान लीजिए ठोस पार्टिकल है और यहाँ पे एयर है, खाली हवा भर है, पानी बिल्कुल नहीं है, तो इसको कहेंगे आप ड्राई सॉयल, यानी सूखी मिट्टी, ड्राई सॉयल। अगर मान लीजिए वाटर रहे और ठोस पार्टिकल रहे, तब आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेट सॉयल, वाटर, इसको कहेंगे वेट सॉयल, यानी गीली मिट्टी, गीली मिट्टी। तो बच्चों ये हमारा जो है क्या कहते हैं, वाटर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो हमारे जो है भूमितल पे वाटर रहता है, ये हमारा जो है क्योंकि हम लोग यहाँ पे तीन अवस्था पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में जल या तो एयर होगा या तो तीनों हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो 30% हमारा जो है जल भी हो गया, और चौथा हवा भी है, तो हवा जो है 20% के लगभग हमारा ये होता है। तो 45, 5, 50 और ये 30, 20, 50, 50, 100 100% हो गया। तो बच्चों ये सारी चीज़ें मृतिका में हम लोग को देखते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं जल कितने प्रकार से हम लोग जो है जल के जो है मृदा में जो जल पाई जाती है वो कितने प्रकार से होती है वो हम लोग देखेंगे। तो बच्चों मृदा में पाए जाने वाले हमने जो भी थे वो बता दिए आप लोगों को कौन कौन से कितने परसेंट। अब मृदा जल के बारे में बात करते हैं, मृदा जल कि मृदा में जो जल होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। तो मृदा में जो जल होता है वो लगभग 3 प्रकार से होते हैं। पहला नंबर पे आर्द्रता ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल। दूसरा कोशिकीय जल, कोशिकीय जल। तीसरा गुरुत्व जल, गुरुत्व जल। यानी मृदा में जो बच्चों जल पाए जाते हैं वो लगभग 3 जिसमें 3 प्रकार से होते हैं, उन सभी को हम लोग देखते हैं। आर्द्रता ग्राही जल इसमें जो है ये आपका जो है आधारा होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, और ये कैपिलरी वाटर है, और ये ग्रेविटेशनल वाटर हो गया। तो आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है कि जब मिट्टी को हम लोग किसी भट्टी में सुखा देते हैं, मान लीजिए कि हम मिट्टी को भट्टी में सुखा दिए, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया वो भट्टी, यानी ओवन ड्राई होता है, हम लोगों के लैब में भी रखा हुआ है। तो उसमें हम लोग जो है मिट्टी को सुखा देने के बाद उसको अगर आप बाहर ले आएँ, तो बाहर लाने के बाद वो मिट्टी क्या करती है, वायुमंडल से कुछ वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, वायुमंडल से कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो वाटर एब्जॉर्ब करती है ऐसे जल को क्या बोलते हैं, आर्द्रता ग्राही, क्योंकि वाटर जो एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो फसलों को दे सकता है वो पानी, तो एब्जॉर्ब करता है बहुत एकदम, आप सोचते होंगे कि इतना जो है एब्जॉर्ब करेगा, तो ऐसा नहीं है कि नमी तो आ जाती है उसमें, मॉइस्चर तो आ ही जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्द्रता ग्राही जल सूखी मृदा, यानी जो भी भट्टी से आप सुखाएंगे उसको आप बाहर अगर ले के रखेंगे, तो
वायुमंडल से खींचा गया हुआ पानी या वायुमंडल से वो क्या करेगा, कुछ पानी अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे जल को क्या बोलेंगे, आर्द्रता ग्राही जल। अब आते हैं कोशिकीय जल के बारे में। तो कोशिकीय जल क्या है कि जो जल होता है और मृदा के कण होते हैं उनके बीच एक आणविक आकर्षण बल लगता है के कारण जो है मृदा क्या जल क्या है, मृदा के रिक्त स्थान यानी वाइट से आपको देखते हैं रिक्त स्थान बता दे रहे हैं कि कोई भी मिट्टी मान लीजिए कि ये आपका मिट्टी है, बड़े इसके पार्टिकल्स कुछ रखे हुए हैं। अब ये तो गोल आकार के होते हैं, लगभग कई आकार के भी होते हैं लेकिन लगभग गोल आकार के ही माने जाते हैं मृदा के। तो इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे खाली स्थान दिख रहा होगा, इसी खाली स्थान को बोलते हैं वॉइड्स, रिक्त स्थान। तो ये वॉइड्स है। तो ये कोशिकीय जल क्या करते हैं, जब ये घर्षण मतलब आणविक आकर्षण बल होने के कारण ये वॉइड्स में, ये रिक्त स्थान में ये जाके बैठ जाते हैं, जिससे जो है फसलों को कुछ भाग दे पाते हैं ये पानी। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरी तरीके से दे देगा वो जल, कुछ भाग इसी में रह जाएगा, कुछ भाग फसलों के जड़ों तक पहुंचा देगा। तो ये हो गया कोशिकीय जल, जिसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। अब आते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं गुरुत्व जल। अब मान लीजिए कि हम जो वाटर मिट्टी में पाए जाएंगे वो आर्द्रता ग्राही जल और कोशिकीय जल के अलावा कोई और भी जल भी बचेगा, तो गुरुत्व बल के कारण, जैसा कि नाम में ही गुरुत्व लिखा है, तो गुरुत्व बल के कारण वो बहने की क्षमता जो भी रखे, तो ऐसे जल को क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल। तो ये तीन अवस्था हमारा पाया गया है, जो कि मिट्टी में जो जल होता है उसमें तीनों अवस्था हमने बता दी हैं कि कौन कौन से जल जो है पाए जाते हैं, किस रूप में आप लोगों को मिलेगा। तो हम लोग ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, अभी तक आप ये भी नहीं जानते होंगे कि मृदा में जल भी रहता है। तो जो मृदा में जो जल होता है वो तीन प्रकार से होता है, आर्द्रता ग्राही जल जो कि वायुमंडल से पानी जो है खींच लेता है, कोशिकीय जल यानी कि जो मृदा और जल में जो आणविक आकर्षण बल रहेगा वो रिक्त स्थान में जाके बैठ जाएगा, उसके बाद फसलों को देता रहेगा, कुछ भाग दे पाएगा, कुछ भाग इसी रिक्त स्थान में रह जाएगा, पूरी तरह से वो नहीं दे पाता। और जब इन दोनों जल के अलावा कोई और जल अन्य बचता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑटोमेटिक फसलों तक पहुंच जाता है, ऐसे जल को क्या बोलते हैं, गुरुत्व जल। तो बच्चों आज हम लोगों ने मृदा के बारे में देखा, मृदा में जल के प्रकार देखा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट वाटर डिमांड जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।